क्या है? ओ भाई लड़ाई होगी दोनों भाइयों में, पता नहीं किस बात को। फाइनली गाइस जो है शुभम को सत्यम ने गेंद दे दी, दे दा खिला इसको। अरे मिल गई ओहो मिल गई गेंद, सत्यम ने बॉल छुपा दी। अरे ना मट्टी मत कर, ये कल भी इसने मान नहीं रहा है, मान जा तो को मान नहीं रहा, कांटे लग जाएंगे फिर रोएगा। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे 7:30 और गाइस गोपाल और सत्यम गए बाहर और शुभम जो मुझे मोजे क्यों मार रहा है सुबह सुबह, और डोंची लेके मार रहा है, कभी बोतल लेके मार रहा है। देखो मम्मी देखो ये फोम मार रहा है सुबह सुबह। भाई क्यों मार रहा है फोम? वो लग जाएगी। तो गाइस फोम जो है ले पापड़ खा ले, आ जा ले चादर है, दवाई लेके आएंगे सोम की। आए तो फेंक के आ रहा है खाने की जगह, फेंक। ओ भाई दो भर गया, मम्मी तो फेंक के आओ, देखो ए लेके भर गया, मान जा। तो गाइस सभी पूरा फैला रहा, खा तो नहीं जाया, देखो भर भर के ले जाके देखो भाई कितना मक्का ढीठ है, छोड़ दे जा बेचारा, वो भाग गया, देखो फिर भाग गया, दो एक जगह डर डर के आ रहा है देखो। ओए ओ लग जाएगी, ओए भाई जी तो मारने पर जाए मुझे ही मारता है, होता इसकी पिटाई कर देता अब तक, मैं इसकी पिटाई कर दूंगा, कर दूं पिटाई। ए 1 2 3 क्या है कूलर कहाँ से आया? ओ भाग गया। तो गाय सुबह सुबह देखो फोन चक्कू लेके भाग रहा है और हाथ काट रहा था अपना पकड़ के, देखा चक्कू देखो अब देने का मन नहीं कर रहा इधर, तो कितना मक्का आ रहा देखो चक्कू लेके चल दे अम्मा को। सुबह सूम हो गया नाराज खतरनाक तरीके से, इसने आज लगता है गुफे में, या इसको कुछ दिया नहीं है घर वालों ने, कंडा चक्कू बांटी क्या क्या लेके मुझे ही मार रहा सुबह से, ना गंदी बात है। आ गया अपने चाचा के साथ, गया क्या गए बेटा सुबह सुबह तुम खेत पे, क्या करना है? और ठंडा पानी मत पी भाई, देखो आते खेत से ठंडा पानी पीने लग गया सत्यम, मत पी गर्म थोड़ा मिला के पी ले, मिला के बेटा मिला के पी ले, सर्दी हो जाएगी तुम्हें समय पे, वैसे भी इसको सर्दी हो रही है, ठीक छे बच्ची जा कुछ खा ले जा, सुबह से सत्यम भूखा है, इसके पेट में कुछ है नहीं, देखी चुआ लूट रहा है सत्यम में, रोटी नहीं बनी तो वो खा। सत्यम लल्ला ने मुझे बहुत मारा, देख कंडा से, देख कंडा कंडा फेंक फेंक के मार गया, देख ले लल्ला बहुत फे जो है जूली से, क्यों भगा दी, क्यों भगा दी सोम, कैसे कहाँ भगा दी, भगा दी जूली, आ जा बुला के ला, ला आ आ आ तू भी आ जल्दी आ। तो गाय अभी जो है मैंने कमर को उठा के रख किया था बोरी में, और देखो दोनों भाई ने गाड़ी बना दी, ओ गाड़ी बना दी, गाड़ी मम्मी गाड़ी चल रही है, देखो देखो भाई ओ गिरे ओ लल्ला गिर गया। तो गाय देखो दोनों भाई जो है मस्त तरीके से खेल रहे हैं गाड़ी बना करके आराम से, क्योंकि इसमें रख दिया हमने कम्बर दो दो बोरी चढ़ा करके, एक तो ड्राइवर बन गया है और पीछे देखो सब क्या है। ओ भाई लड़ाई होगी दोनों भाइयों में, पता नहीं किस बात को लेकर के, और सत्यम ने फोन को दबा लिया, छोड़ा जा और मार दिया फिर कौन पर भाई, इतना उदम क्यों करता है सत्यम, तू बताओ इतना उदम ही है, वो अच्छा काम खेल रहा था बना खेला, अब देखो भाग भाई डर के मारे भाग जाता है, कहता गंदी माता मारते नहीं है। ले फोम ने गाइस क्या किया, ये वाली मट्टी है मम्मी, देखो ये वाली मट्टी भर भर के अपनी चाने भर ली यार पूरे में, जाने गेंद खेलें तो भाई फिर लड़ाई होगी यहाँ दे दे भाई, इसको कोई चीज़ देने नहीं चाहता सत्यम, इतना मक्का रहा रुवाता रहता है, अभी मार गया दे ला ले ला ना दे रहा सत्यम, दे लल्ला को दे दे, ये मट्टी में खेला फिर बॉल चाहिए, बॉल ला ले ये बॉल दिए, बॉल के ऊपर लड़ाई हो रही है दोनों भाइयों में, ले 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 चल ले बॉल है ये ईट है सत्यम, गंदी बात है दे दे लल्ला को, मम्मी देखो ये गेंद नहीं देना चाह रहा इसको और मट्टी में खेलना। तो फाइनली गाइस जो है शुभम को सत्यम ने गेंद दे दी, दे दा खिला इसको भैया को, खिला मट्टी में ना खेला, चांद मट्टी बल्ले था आँख में, उठा उठा बच के उठा जल्दी दौड़ा आके आ रहा हूँ सत्यम के लिए शॉपिंग कराने और सत्यम मम्मी के लिए। अरे अरे मिल गई ओहो मिल गई भाई, खुशी देखो सत्यम को, शुभम खुशी देखो, फेंक भाई, हंस रहा बॉल नहीं फेंक रहा, फेंक दे सत्यम ने बॉल छुपा दी। अरे ना मट्टी मत कर, ये कल भी इसने मम्मी पूरे चांदा मट्टी भर ली, कल मैं आया था घेर में पड़िया नहाने के लिए, लिखा तो दोनों भाइयों का ये घंटा हो गया खेलते खेलते, उधर मैं जिए भाई भाई लल्ला खिला यहीं पे,
पकड़ पकड़ भाजी पकड़ सो बच के जा हॉल है धीरे धीरे भाई फते बहुत तेज तेज भाग रहा है मैं जा रहा हूँ पहले खेत पर डोलिया तो भैया भैया देख रहे चक्कर मारे हूँ ओ देख ले पकड़ फोन पकड़ 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 उठा गया उठा बच के ओ लल्ला उठा लल्ला को हट जा लल्ला उठा दे फते मार गया सत्य मार गया चार दिन है दे ना रो फतेम कहते दे लल्ला को दे दी क्या दे 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 कल जाए शॉपिंग करवाएंगे हाँ शॉपिंग करवाएंगे ए लागे भाई इसमें यही तो कमी है सत्यम में कहने देता फिर देख लिए फिर दूसरी कहना लेके आऊँगा गेंद चाहिए ला दे दे ला ना लगे देख गेंद ना दे रहा जी ना लगे दे दे भाई अभी आए थे हम घूमने के लिए अपने खेत पे तो बातों जो है कोई भी गैया बजार नहीं तो अभी बैठे हुए हैं मंदिर पे भोले बाबा जी के मंदिर पे कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि ये अपने घर पे नहीं सो रहे हैं यहाँ पर जो है मंदिर पे आने के बाद इनको काफी अच्छा लगता है तो गाय मंदिर पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है अभी पंखा नहीं चल रहा पंखा ये क्यों पहले पंखा चलते थे पंखा क्यों नहीं चल रहे भाई ये तो जो है मंदिर पे डेली देते हैं आराम से क्योंकि इनका घर जो पास में ही है इनसे मैंने पूछा पंखा क्यों नहीं चलते तो पंखा ये पहले चलते थे तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा लगता था सोने में भी साफ सफाई भी होती है भाई भोले बाबा के दर्शन करने का रोज़ मौका मिलता है तो अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे घर और आज जाने वाले नाके एकदम मस्त रेडी हो गए हैं सुबह के बजे अभी 11 है और फतेम तो अभी नहाया नहीं दोबारा नहा के जा मम्मी पे जा अपने आप नहा के आया भाई मम्मी नहाएगी जा तो गाय अब खाते हैं गाय खाना खाने में है चावल साथ में है छोले और चना की सब्जी और थोड़े चिप्स भी क्या है मैं ना तारा मम्मी दोबारा नहाएगी जा दोबारा नहा के जा दो दो बार सामान लगाओ है मैंने भी खाना खा लिया और फतेम ने यहाँ पर जो खाना खा लिया और अपने हेयर भी देखो कितने बिगाड़ू ना फतेम बोला पापा हेयर मत बिगाड़ो ऐसी काट के रखियो ठीक है ये अच्छी लग रही है आपको तो सत्यम को जो कहाँ पे लेके जाएंगे हम कपड़े दिलवाने हाँ सत्यम गए आज नए नए कपड़े दिलवाने जाएंगे शॉपिंग कराने के लिए और नानी घर नहीं आऊंगा मैं सब मत ही ठीक है नानी घर है मत जाना छिपुली को जाएगा गाय जाएगा हाँ छिपुली कितनी दूर जा रही है सब गली वहाँ पे जा रही है गार्डन पे तो गाय सत्यम जाएगा लॉन्ग ट्रिप पे आप लोग दोस्तों गाइड करना कहाँ पे जाने वाला हाँ पापा से छिप गया बहुत दूर जा रही है हाँ बहुत दूर जा रही है बच के रहिए ठीक है तो गाय अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और आप लोग सुन सकते हैं पीछे मेरे आवाज सुनाई दे रही भागवत तो दिए गाय पाल में आज टाइम मिला तो जाएंगे सुनने के लिए पहले सत्यम की भागवत तो चल रही है देखो सुपा के पीछे बैठ के देखो मोबाइल ले लिया देखो उसने और उसकी भाग वगत अलग चल रही है मैं और सत्यम जा रहे हैं अभी अपने प्लॉट पे वहाँ पे जो है बड़े बड़े कीकड़े हो चुके हैं आज गाय हमारी टिकट थी उनके शिमला टू मनाली तो वही हमें जाना था मगर क्या करें अब टिकट को गाय कैंसिल भी नहीं हो रही ना रिफंड वापस आ रहा सत्यम चलेगा सत्यम भी तैयार था जाने को कि मैं भी चलूँगा मैं भी वही रुपये मारे गए हमारे 1000 रुपये गोपाल भी तैयार नहीं हो रहा है सत्यम देख लल्ला को पानी भीजने का कितना शौक है देखो देखो भाई इसे पानी में भीजने का इतना शौक है पूरे दिन इसको पानी भिजा और कान पकड़िए कान मत पकड़ क्यों भेजते पानी में सर्दी नहीं होगी और मन कर रहा कि डॉक्टर ने कहा ठंडे पानी से मत नहाया कर हाँ चलो ए आया 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 देखो गाय दोनों ही तैयार हो गए जाने के लिए सत्यम सबसे और खिंच जाएगा चल तो सबसे पहले तैयार और उसको मार रहा है छोड़ो लल्ला बैठो लल्ला बैठ तू बच तूने यहाँ लल्ला जाओ बच तुम चलो ए बैठो आ जा भाई तो गाय फोन को बैठा देते सत्यम तो गाय भाग गया भाई ये भी चढ़ना सीख गया देखो छोड़ छोड़ सब बॉस भाई फाइनली देखो ऐसी चढ़ाई हो रही है सोम घर जाइए ठीक है और हम जा रहे हैं काम करने के लिए कसौरा लेके और पट्टा भी ले उतार देता हूँ उतार जा लल्ला को क्या ऊपर चल उतार उतार जल्दी उतार मैं आ चुका हूँ अपने प्लॉट पे और हमारा दोस्त हाकिम आ चुका है हाकिम क्या करे यार कुछ कह नहीं सकते इसकी भी टिकट थी मेरी भी टिकट थी और गोपाल की भी टिकट थी भाई 3 आदमी टिकट थी अब क्या करे देखो ना तो कैंसिल है रही और ना पैसा वापस आ रहा क्या करे बता अब क्या कर सकते बता तू लेट हो गया तू मन में गोपाल गोपाल आज बापी तुम ना करते तो खुशी और किसी चला जाता ना ना कोई दिक्कत नहीं बात है मैं बताऊंगा कारण गाइस कारण गाइस बहुत बड़ा कारण है आप लोग दोस्तों बिलोंग जरूर देना और यहाँ पर जो हम बोर्ड लेके आए हैं सकते हैं ये हैं इतने सारे कीकड़े यहाँ पर जो कीकड़ा जो काटने के लिए आए हुए हैं और ये रहा कफला और ये बोर्ड है बोर्ड पे क्या लिखा है छोटा है बड़ा छोटा है बोर्ड तो गाइस अब जो यहाँ पर जो कटैया है इनको जो काट देते हैं भाई इसमें कांटे बहुत ही आते हैं सुने कांटे बहुत तेज लग रहे हैं गाइस इसको काट देते हैं
इस पे तो फूल भी आ रहे हैं। सत्यम दूर लीजिए, कांटे लग जाएंगे। ये कर लिया भाई, तारकुल लगा लिया। अबे ये लेटरिंग है, मेरे जो सभी यहाँ पर कीकड़े काट दिए भाई। इसमें जो कांटे लगे थे वो बहुत बड़े बड़े पाए में, तो वही लग गए कांटे भाई। इसके कांटे जो बहुत ही खतरनाक हैं, सारे के सारे जो मैं जितने भी यहाँ पर जो कीकड़े थे, ये कटैया के फूल इसे बोलते कटैया, मैंने काट दिया भाई। कांटे छिड़ गए और सामने हो रही है देखो भागवत मंदिर पर, देखो ये बुझल दिए भागवत। सत्यव और पापा जी गए अड्डे पर, क्योंकि जो बोर्ड लेके आए थे उसमें जो टीन लगवाने के लिए नीचे में, क्योंकि बोर्ड हमने अभी सही नहीं किया है। और बड़े में कांटे कांटे लगे काफ़ी थे, दर्द हो रहा है। कांटे जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, छोटे छोटे कांटे हैं। ओ कांटा ये रहा, सभी में कांटे लगे। सत्यम गोपाल और पापा आगे लगवा ला चंदर, तो ये लगनी थी दोनों लकड़िया सर। मैं कांटे घुस गए सब रे पे, हम फाइनल कांटे काटे लाइन में, कब कांटे घुस गए। तुम कह रहे कि मैं बैठ जाती हूं, लकड़िया कितने होंगे सर। फूक गए आवे थे, एक लगा ले, दो लगा लगवाई, एक लगा दे। हां एक लगा लग गया, देखिए और ये लगवा के लाए जिससे के पानी पे घरे ना। सत्यम कुछ चीज खा के आए जब बटर वाले जे, ये सभी जब कटिया बटर धीरे धीरे उठा उठा के आराम से। और मैं वहां काट रहा हूं, दो तीन रह गए। सत्यम तू दूर रही है, कांटे घुस जाएंगे। सत्यम मान नहीं रहा है, मान जा, तुझको मान नहीं रहा, कांटे लग जाएंगे फिर रोएगा। कांटे नहीं लग रहे, उठा उठा के रख रहा है। एक 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 रखिए, एक एक आग लगा देंगे इसमें। चल ठीक है, मेहनत कर। गोपाल सिंह जो है खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं, पापा जी उधर इकट्ठे कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो जाएंगे। सुबह फतेम धीरे धीरे करके कट रहेगा उधर पे, खत्म हो रहा है। एक जगह ये इकट्ठे कर दिए, दूसरी जगह ये हाँ कांटे काट दिए। ये आ गया हमारा ब्लॉगर, एक सेकेंड ब्लॉगर सत्यम कांटे काट रहा है। माचिस लग गई है, माचिस यहाँ पर जो है फैन आ चुका है, वीडियो देखते हैं। मेरा फैन है सत्यम का, सत्यम का तो वीडियो देखते हो। हाँ। तो ये जो है कहाँ से भागवत देख के आए? हाँ। क्या कथा सुनी आज तुमने? हाँ राम का ब्याह हुआ है। हाँ। तो रामचंद्र जी का आज ब्याह हुआ था, तो ये हमारे पास आ गया घूमने के लिए। सत्यम तो तुम देखो मेहनत कर रहा है, कफला चला रहा है, पाँच कट जा कट जा। वो तो गोपाल तो देखो भाज गया, बस 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 रिंदे। मुझे 10 मिनट हो चुके हैं कफला चलाते चलाते, इतनी मट्टी जो सत्यम ने कर दी। अब मान जा हट जा, अब छोड़ दे मैं करूँगा, हट जा दावत का एक जगह रेंदे सबरे पानी इसके। और देखो पेंट भी नहीं गया, अब सत्यम मानेगा नहीं। सत्यम जो काम करने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। हट जा बट, हट जा हट जा, तू हट जा हट जा। शाम के टाइम में दोबारा आज फिर से ना लिया, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज है, काम कर गया सारा मिस किया था मट्टी में। और अभी हम जा रहे हैं गाइस कहाँ पर, कढ़ाई पनीर खाने के लिए, मैं और वो। तो हमने जो प्लान है वहाँ पर कैंसिल कर दिया गाइस, पापा मना कर रहे हैं, क्योंकि गाइस ट्रेन जो है 8:30 बजे की है, टाइम कम हो गया, अब जा नहीं पाएंगे शाम के बजे 7। तो अभी हम जा रहे हैं होटल पर। सत्य हमारा रो रहा है, बोला पापा मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। तू मत जा ठीक है, मैं तुम्हारे लेके आ जाऊँगा, घर पर लेके आऊँगा, घर पर लेके आऊँगा ठीक है भाई। इतने रोने के तो ऐसी टेक्निक बना ली है, निंजा टेक्निक जिसे बोलते हैं रोने वाली निंजा टेक्निक। ये टेक्निक है इसकी रोने की, नेक पल पल में आंसू। आ चुका अभी बाजार में, अपन बनवाते गए अपने लिए यहाँ पर एक शिकंजी, क्योंकि भाई आप तो जो चूने पर चूना लगा दिया, अपने भी चूना लगा दिया, वो भी गया नहीं होटल पे, तो शिकंजी खाएंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे बाजार में यहाँ पर पेप्सी कोल्ड ड्रिंक। और उसके बाद चले, क्योंकि हमारे यहाँ पर शिकंजी भाई देख सकते हैं जल्दी थोड़े से पिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो गाय अभी आ चुका हूँ मैं हलवा की दुकान पर, गाय यहाँ पर खाते हैं रबड़ी, यही फौदा खाते हैं, शिकंजी पी रबड़ी खाते हैं, उसको कोल्डे पियेंगे और उसके बाद फिर खाएंगे खाना। ले आ गया मैं घर पे, और सोम के लिए गाय चीज लेकर के आया हूँ मैं आज, क्योंकि पहले सत्यम आया था घूमने के लिए। सत्यम पता नहीं कहाँ मोबाइल देख रहा है, ले ले जा ले। तो गाय सोम जो लेके जाएगा उठा ले जा, देखते हैं उठा लेगा नहीं उठा लेगा, वैसे काफ़ी वजन आएगा 2 लीटर की तरह। ले जा उठा भाई, सोम पर उठ नहीं जाए, 2.25 लीटर उठा ले, ले पकड़ ले, ले जा ले ले ले। ओ भाई सोम पर गाय उठी नहीं बोलता, सत्यम लेके भाग गया। इधर आ इधर आ इधर आ। तो गाय यहाँ पर देखो, यहाँ पर सत्यम ने गाय ये पेप्सी फैला दी, क्योंकि इसको हलाता रहता है, और हलाने के बाद मैंने जैसे इसका ढक्कन खोला, देखो कितनी सारी पेप्सी बिखर गई, एक गिलास पूरी यहाँ पर फैल चुकी है। और मैं होटल पे भी नहीं गया ना, कढ़ाई पनीर गई, तो अपने घर पे ही जो है हमने बनवाई है यहाँ पर टमाटर की चटनी का, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है चावल और ये रही रोटी। लो गाइस मेरी छुट्टी हो गई है। कहाँ से?
मेरे बाबा ने कर दी छुट्टी। हेलो गाइस, मैंने बहुत पढ़ लिया है, मैंने अपनी गिनती कर ली। कितनी देर गिनती की तुमने? 5 मिनट। गिनती सुनाना इनको। 10 एक हम 10 दूनी 20 30 चौके 40 सम 50 30 60 सत्य हो गई सत्यम काफी ज्यादा। तो सत्यम गाय अभी जो अपने बाबा के पास था और 2 घंटे जो उसने पढ़ाई की काफी अच्छी तरीके से, तभी आप पता है एक बार 15 पाना सुना दे 15 का। मेरा मुख कैसे लग रहा है? पाना बहुत अच्छा लग रहा है 15 का। एक बार पापा, हां सत्यम सो लग रहा है मुंह मेरो। तो गाइस, आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। कैसे बनता है हल्के? हां मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब मेरा हाथ कैसे बनता है? हाथ भगवान जी ने बनाया तुम्हारा हाथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मट्टी से बनता है, तब तक के लिए टाटा। लाइक करो, हां लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हां तो गाइस सब्सक्राइब कर देना प्लीज गाइस। बाय बाय।